नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्जाम में जो मैथ्स पूछा जाता है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर टू। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हम पार्ट नंबर वन कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें सारे के सारे बेसिक मेथड जो है, जो बेसिक टर्म है सिंपल इंटरेस्ट के, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले तो पहले वाला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, उसके साथ परसेंटेज टॉपिक भी देख लीजिए क्योंकि परसेंटेज का भी काफी यूज है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है दोस्तों, उसके साथ जो हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको यहां पे कंप्लीट मैथ करवाएंगे, नो डाउट। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट नंबर वन जो था उसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या है। रुपीज 8000 अमाउंट टू 9700 इन 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसने बोला कि 8000 रुपए जो है वो 9700 रुपए जाते हैं 5 सालों में। ब्याज की दर कुछ है हमें नहीं पता। देखो यहां पे आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है, 8000 दिया है, और यहां पे इसने जो अमाउंट दी है, अमाउंट कितनी हो जाती है 9700, और टाइम आपको दिया है 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, और रेट के बारे में इसने बोला कि रेट का नहीं पता हमें कि रेट कितनी थी, कुछ रेट थी। ठीक है, इफ इंटरेस्ट रेट इज 3% मोर देन प्रीवियस रेट, कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो पहले वाले रेट से 3% ज्यादा होता, मीनिंग जो पहले वाली रेट थी उससे 3% रेट ज्यादा होती। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि अमाउंट कितनी हो जाती है। द सेम सम विल अमाउंट, यानी कि आपको बताना है कि जो ये पैसे हैं फिर ये कितना अमाउंट हो जाता। 8000 रुपए थे, अमाउंट हो गए 9700 5 साल में, रेट का हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि अगर आपका रेट 3% ज्यादा होता, 3% ज्यादा होता तो अमाउंट कितनी हो जाती, तो दोस्तों देखिए, जो भी पहला रेट रहा होगा, उसका अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। हमें रेट निकालने की जरूरत नहीं है। हम फोकस सिर्फ इस 3% पे करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? 3% पे, क्योंकि 3% रेट बढ़ा है तो आपका इंटरेस्ट भी 3% बढ़ेगा। अब 3% बढ़ा है एक साल के लिए, पर एनम होता है, 3% बढ़ा है एक साल के लिए, टाइम कितना आपके पास 5 साल है, तो 3% के हिसाब से 5 साल में कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। जो आपका इंटरेस्ट है, वो कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, क्योंकि हर साल 3% बढ़ेगा तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 15%। और इंटरेस्ट मिलता किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर, तो आप 8000 का निकाल लेंगे 15%, 8000 का 15% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। तो दोस्तों यानी कि आपको रुपीज 1200 है वो ज्यादा मिलेंगे, 1200 रुपए और ज्यादा मिलेंगे, तो यहां पे आप 1200 प्लस कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा 10900 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन में इतना सा था कि आपको रेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो 3% एक्स्ट्रा रेट आई है उसी के हिसाब से 1200 एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो 1200 इसमें प्लस कर दीजिए, यानी कि अब आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 10900 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर रेट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया गया, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, कुछ पैसे हैं वो 3 साल के लिए लगाए गए, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है कितना था, लेकिन उसका टाइम जो है वो कितना दे रखा आपको, 3 ईयर दे रखा है। ठीक है,
एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट का भी नहीं पता कितनी थी, नहीं पता। हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीन 1% मोर, उसने बोला यदि जो ये रेट थी, ये जो रेट थी अगर ये 1% ज्यादा होती, अगर ये रेट 1% ज्यादा होती, इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 165 मोर देन बिफोर फाइव, यानी कि हमें 165 रुपए ज्यादा मिलते, हमें 165 रुपए ज्यादा मिलते पहले वाले पैसों से। देखिए क्वेश्चन पीछे वाले की तरह ही है, उसने बोला कि कुछ प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना था, टाइम था 3 ईयर, रेट का भी नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि अगर रेट जो है 1% ज्यादा होती तो हमें कितने रुपए ज्यादा मिलते, 165 रुपए ज्यादा मिलते। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल को लेट कर लिया 100%, कितने परसेंट लेट कर लिया 100%। अब 1% अगर रेट बढ़ेगी, एक साल में 1%, तो 3 साल में कितने परसेंट मिलेगा, 3 साल में 3% मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा, फोकस करें, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो तो 3% होगा, एक्स्ट्रा तो 3% मिला, और ये एक्स्ट्रा मिला कितना, 165 रुपीज, एक्स्ट्रा कितना मिला 165, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू आ जाएगी 165/3, और आपको बताना है प्रिंसिपल कितना रहा था, वो सम कितना था, तो 100% की वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये चला जाएगा आपका 55 पे, और 55 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5500 आ जाएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो 5500 था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रेट 1% से इंक्रीज हुई, 3 साल में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, और एक्स्ट्रा कितना दिया 165, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12.5%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% से इंक्रीज हो जाता है 12.5% हो जाता है, ये बात इसने बोली है कि 10% से इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 12.5% हो जाता है। ए मैंस ईयरली इनकम इंक्रीज बाय रुपीज 1750, एक आदमी की जो सालाना इनकम है, सालाना जो उसका इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ जाता है, 1750 रुपए बढ़ जाता है। आपको बताना प्रिंसिपल कितना था, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रिंसिपल को किसके इक्वलेट करते हैं, हमेशा 100% के इक्वलेट करते हैं, प्रिंसिपल को कितना लेट करते हैं 100%। अब देखो पहले तो मिल रहा था 10%, अब मिल रहा है 12.5%, कितना ज्यादा दिख रहा है आपको, अगर परसेंटेज में देखें पहले 10% मिल रहा था, अब 12.5% मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 2.5% ज्यादा मिल रहा है, और इस 2.5% की वैल्यू किसके इक्वल आपको दे रखी है, कितना ज्यादा उसकी इनकम कितनी बड़ी, 1750 के, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू आ जाएगी 1750/2.5, ये 1% की वैल्यू आ गई, आपको बताना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100%, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ये डेसिमल हटा दीजिए, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो आपका चला जाएगा 7 पे, 700 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था दोस्तों वो कितना था, 70,000 था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 6.5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 123.5 रुपीज, किसी पैसे पर 6.5% के रेट से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है दोस्तों, 123.5 रुपए है। ठीक है, व्हाट विल बी एडिशनल इंटरेस्ट इफ सम वाज लेंट एट 7%, आपको बताना है कि अगर 60% पर देते तो कितने रुपए ज्यादा मिलते। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, इसने क्या बोला कि आपने कोई प्रिंसिपल था, कोई प्रिंसिपल था वो 6.5% पे दे दिया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपको कितने रुपए मिले यहां से, आपको इंटरेस्ट मिला यहां से 123.5, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कोई प्रिंसिपल, हमें नहीं पता वो प्रिंसिपल कितना था, 6.5% पे दे दिया 3 साल के लिए, ये इंटरेस्ट मिला। मैंने क्या बोला था, एक साल में, देखिए ये पर एनम है, एक साल में 6.5% मिलेगा तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में मिलेगा 19.5%। दोस्तों ध्यान से समझ रहा मेरी बात, एक साल में 6.5 मिलेगा तो 3 साल में कितना मिलेगा, 19.5%, और 19.5% की वैल्यू किसके दे रखी है, 123.5 के इक्वल दे रखी है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर उसने बोला कि यहां पे रेट जो है अगर वो 7% होती, रेट कितनी होती 7%, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते,
अब जरा मुझे बताओ, रेट थी 6.5%, अब होगी 7%, कितनी इंक्रीज हुई? 0.5 ही तो इंक्रीज हुई, 0.5 से इंक्रीज हुई तो इतने ही रुपए ज्यादा मिलेंगे, एक साल में 0.5 ज्यादा मिलेंगे, तीन साल में कितने मिलेंगे? 1.5, एक साल में 0.5 तो तीन साल में 1.5, तो 19.5% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1235 डिवाइड बाय 195, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू है, हमें बताना है 1.5% की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 1.5 कहां से आया? एक साल में 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो तीन साल में कितना मिलेगा? 1.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5, दैट्स इट, डिवाइड कर दीजिए इसको, चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो 15 से, यह आ जाएगा यहां पे 15 से डिवाइड करोगे 0.1 आ जाएगा, यहां 15 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 15 और 15 3 45 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करोगे, कर लो इसको डिवाइड 13 से, 13 9 117 बचेंगे कितने? 6 और 13 5 कितना हो जाएगा? 65, 95 की मल्टीप्लाई 0.1 में करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 9.5। तो कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? एक्स्ट्रा यहां पे मिलेंगे 9.5। दोबारा देख लीजिए, 6.5 रेट पे दिया, तीन साल के लिए 123.5 रुपए मिले, ठीक है। अब एक साल में 6.5 मिलेंगे, तीन साल में कितने मिलेंगे? 19.5, ये 19.5% की वैल्यू दे रखी है। अब उसने बोला अगर 7% रेट कर देते तो कितने रुपए ज्यादा मिलते? अगर 7% रेट कर देते तो कितना ज्यादा मिलता? 0.5% ज्यादा मिलता, एक साल में, तीन साल में कितना मिलता? 1.5। तो ये मैंने 1.5% की वैल्यू बता दी, कितनी आ जाएगी? 9.5 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ₹9.5, इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया। ए पर्सन लेंड टू इक्वल सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड 5.5 ईयर रिस्पेक्टिवली। एक आदमी ने दो बराबर पैसे, जितने पैसे यहां पे लगाए उतने पैसे यहां पे लगाए, दो बराबर बराबर पैसे लगाए, 6.5% के रेट पे तीन साल के लिए लगाए, सॉरी 12% पर एनम के रेट पे 3.5 ईयर के लिए और 5.5 ईयर के लिए। देखिए प्रिंसिपल दोनों सेम है, प्रिंसिपल दोनों क्या है? सेम है, रेट भी दोनों सेम है, और रेट है कितनी? 12% है, बट टाइम की बात कर रहा है, टाइम यहां पे 3.5 ईयर का है और यहां पे टाइम 5.5 ईयर का है। दोनों प्रिंसिपल सेम है, दोनों रेट सेम है 12%, लेकिन यहां पे टाइम 3.5 है, यहां पे टाइम 5.5 है। अब इसने क्या बोला आगे? आगे बोला इफ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, इन दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो है 1800, आपको बताना टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी थी, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए आपने 100% यहां पे दिया और 100% यहां पे दिया, सोच के बताना मुझे, 100% यहां पे दिया, 100% यहां पे दिया, दोनों प्रिंसिपल इक्वल थे, यहां पे 12% से, यहां पे 12% से, ठीक है, यहां पे 3.5 साल के लिए, यहां पे 5.5 साल के लिए, तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस यही तो आएगा, कितने साल का? दो साल का। जो दो साल का डिफरेंस बनेगा इनका, वही तो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम ही तो अलग है, जितना टाइम में डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। अब 12% के हिसाब से दो साल में डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? दो साल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 24%, और 24% की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है? 1800 के। बस आपको इतनी सी बात समझनी थी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800/24। आपको बताना है टोटल अमाउंट, अगर वो सिंगल अमाउंट बोलता तो 100% की वैल्यू बताते, लेकिन उसने टोटल अमाउंट बोला तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू यहां पे बतानी पड़ेगी? 200% की, तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 200। देखिए करिए डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 50 आ जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई 300 में करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 15,000। तो आपके सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी थी कि दोनों प्रिंसिपल इक्वल है 100%, दोनों रेट इक्वल है 12%, यहां पे टाइम 3.5, यहां पे टाइम 5.5, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? टू ईयर का तो एक्स्ट्रा मिलेगा, वन ईयर में 12% मिलता है, टू ईयर में 24%, तो ये आपको 200 की वैल्यू बतानी थी, 15,000, क्योंकि उसने टोटल सम पूछा है, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या दिया गया?
रवि डिवाइड 20,000 इंटू टू पार्ट। रवि ने 20,000 रुपए देखे, उसके पास 20,000 रुपए थे, रवि के पास 20,000 रुपए थे, उसमें टू पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। ही लेंट फर्स्ट पार्ट एट 12%, जो फर्स्ट पार्ट था उसका, उसने उसको 12% पे इन्वेस्ट कर दिया। एंड सेकंड पार्ट एट 20%, उसने जो सेकंड पार्ट जो है वो 20% पर एनम के हिसाब से उसने इन्वेस्ट कर दिया। इसमें से कुछ भाग 12% पे, कुछ भाग 20% पे, हमें नहीं पता कितना कितना है। आगे उसने बोला एट द एंड ऑफ वन ईयर, एक साल के एंड में ही गेट ओवरऑल 15% सिंपल इंटरेस्ट, उसे ओवरऑल कुल मिला के 15% इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों कुछ तो मिला हुआ उसको 12% के हिसाब से, कुछ मिला हुआ 20% के हिसाब से, और ओवरऑल मिलाए तो कितना मिला 15%। तो यहां पे आपका लग जाएगा एलिगेशन मेथड, क्या लग जाएगा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, क्योंकि यहां से 12% यहां से 20% दोनों को मिलाया तो आया 15%, तो 15% को बीच में रख लीजिए। यहां का गैप देखिए, यहां पर लिख दीजिए कितना आएगा, यहां का गैप आ जाएगा 5, तो आप लिख दीजिए 5 रेशो, यहां का गैप आप लिखोगे यहां का गैप आ जाएगा 3, यानी कि वो पैसे किस रेशो में डिवाइड किए थे, वो पैसे डिवाइड किए थे 5:3 में, तो ये टोटल कितना है 8, और 8 की वैल्यू किसके इक्वल है ₹20,000 के, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी ₹2,500 के, ये 1 की वैल्यू आ गई 2500। आपको बताना है कि उसने 20% पे कितने इन्वेस्ट किए हैं, 20% पे कितने 3, 1 की वैल्यू क्या आई 2500, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी ₹7,500, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो यहां पे आपको एलिगेशन मेथड लगाना था। देखिए इसने रुपए को दो भागों में डिवाइड करके दे दिया, ओवरऑल मिले 15%, तो इसको बीच में रख के एलिगेशन कर देंगे, ये रेशो आ जाएगा 5:3, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशो था वो क्या था 5:3 था, इस रेशो में बांट देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बेसिक मेथड से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बेसिक मेथड से बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्या दिया गया, गुरमीत लेंट 45,500 पार्टली एट 5%। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, यहां पे है रुपीज 45,500, उसने पार्टली इन्वेस्ट किए 5% पे, और रिमेनिंग इन्वेस्ट जो बचे हुए थे वो कर दिए 18% पे इन्वेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ टू ईयर, इसने क्या बोला, एट द एंड ऑफ टू ईयर ही गेट टोटल रुपीज 9,100 एज सिंपल इंटरेस्ट। दो साल के बाद दोस्तों, देखिए दो साल की बात कर रहा है वो, दो साल के बाद उसे 9,100 रुपए मिला सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 9,100 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट मिलता किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर, तो 9,100 जो मिला वो किसके मिला, किसके ऊपर मिला होगा 45,500 के ऊपर। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 455 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिला 20% मिला दोस्तों। तो पहले आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट मिला, 20% मिला। अब ये 20% कितने साल में मिला, दो साल में मिला 20%, और ये क्या है, ये एक साल का रेट है। अगर दो साल में 20% मिला तो एक साल में कितना मिला होगा, 10% मिला होगा, तो यहां पे हम रख देंगे 10%। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, तो यहां का गैप कितना आएगा 8, और यहां का गैप कितना आएगा, यहां का गैप आएगा 5, तो रेशो कितना रहा होगा 8:5 रहा होगा, तो 8:5 का टोटल करेंगे 13 का वैल्यू किसके इक्वल, रुपीज 45,500 के इक्वल। 1 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा रुपीज 13 से डिवाइड करोगे 3,500 आ जाएगा। आपको बताना है कि उसने 5% पे कितने लटके थे, 5% पे, ये वैल्यू आपको बतानी है, बता दीजिए 3500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 में 70, ये आपका जाएगा 28,000। कितना आ जाएगा दोस्तों 28,000 आ जाएगा, और यही क्या है आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए, हम क्या करेंगे, उसने कुछ पार्ट दिया 5% पे, कुछ पार्ट दिया 8% पे, उसे टोटल इंटरेस्ट मिला 9,100, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। ये 20% कितने ईयर का, 2 ईयर का, 2 ईयर का 20%, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा 10%। आगे क्वेश्चन सेम है, यहां का गैप 8, यहां का 5, टोटल आपका हो गया 13 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है 45,500 के, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3,500। आपको बताना था कि 5% पे कितना दिया था 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 28,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चलिए देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेंगी चीजें, कुछ ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है। ए पर्सन लेंट ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 8 ईयर, 6% की दर से 8 साल के लिए दिया। इफ SI वाज ₹2600 लेस देन द सम, अगर उसका जो ब्याज है वो उसके प्रिंसिपल से कितना कम हो, मूलधन से 2600 कम हो, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था। फाइंड आउट द सम लेंट, कितना रुपए लेंट किए थे। मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल को हम कितना मानते हैं हमेशा 100%। अब ध्यान से देखना, यहां पे जो रेट है, रेट आपको दे रखी है 6% पर एनम, और जो टाइम है, टाइम आपको दे रखा है 8 ईयर। मुझे फटाफट से बताओ कि 6% मिलेगा एक साल में, तो 8 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 48% मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे 6 साल में, जब एक साल में 6% मिलता है तो 8 साल में कितना मिलेगा, 48%। प्रिंसिपल कितना था, 100%। SI कितना आया, 48%। कितना कम है देखो प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल से कितना लेस दिख रहा है आपको, 52%। तो 52% का वैल्यू ही तो आपको किसके इक्वल दे रखा है, 2600 के इक्वल दे रखा है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2600 डिवाइड बाय 52, और आपको बताना है प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, यहां से डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा 100, ये चला जाएगा 2 पे, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 50, और 50 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5000। इतना सा क्वेश्चन था, प्रिंसिपल को हम कितना लेट करते हैं, 100%, रेट 6%, टाइम 8, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 48% मिलेगा, कितना लेस है, 52% है, और इसी की वैल्यू दे रखे 2600 के, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका जो आंसर है वो 5000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, क्या दिया गया। राहुल इन्वेस्ट 2 equal sum ऑफ मनी इन बैंक ए एंड बी। राहुल ने दो बराबर पैसे दो बैंकों में जमा करा दिए, ए और बी में। ए गिव्स 8% पर एनम, जो ए बैंक है वो 8% पर एनम देता है, एंड बी गिव्स 9.5% पर एनम। ए जो है पर एनम देता है 8%, और बी जो है पर एनम देता है 9.5%। एट द एंड ऑफ 2 ईयर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इज ₹456। दो साल के बाद इन दोनों से जो ब्याज मिला उसका जो डिफरेंस था वो 456 था। मुझे बताओ फटाफट, अगर इसको भी 2 साल के लिए दिया, इसको भी 2 साल के लिए दिया, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 16% मिलेगा, और यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 19% मिलेगा। यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा 16%, यहां पे मिलेगा 19%, तो 3% गैप हो गया। डिफरेंस कितना होगा, 3%, जो किसके इक्वल दे रखा है, ₹456 के। 1% की वैल्यू देख लो, 1% की आएगी 456 डिवाइड बाय 3। और अगर पूछता कि उसने एक बैंक में कितने पैसे जमा करवाए तो हम वैल्यू निकाल लेते 100% की, बट उसने पूछा कि टोटल उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी, टोटल पूछा इसने क्या पूछा आपसे, देखिए बोला फाइंड टोटल सम लेंट बाय राहुल, कि राहुल ने टोटल कितने पैसे लगाए थे, 100% यहां पे, 100% यहां पे, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल थी, तो आप वैल्यू किसका निकाल दोगे, 200% का निकाल दोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, 3 से कैंसिल कर लीजिए, चला जाएगा 152, ठीक है 152 मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो 30400 आ जाएगा आपका वैल्यू, आंसर इज 30400, ये आपका आंसर है। अगर आपको एक बैंक का पैसा पूछता तो 100% की वैल्यू निकाल देते, लेकिन उसने पूछा कि उसने टोटल कितने इन्वेस्ट किए थे, टोटल कितने इन्वेस्ट किए थे, 30400 इन्वेस्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया गया। ए मैन हैज 10,000 टू इन्वेस्ट, एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ही इन्वेस्ट ₹4,000 एट 5%, उसने 4,000 रुपए दिए दोस्तों 5% पे, ठीक है। 3500 एट 4%, 3500 दिए उसने, 3500 दिए उसने 4% पे, ठीक है। और टोटल कितने थे उसके पास, टोटल थे 10,000, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू हैव ए ईयरली इनकम, कि एक साल की उसकी जो इनकम है वो ₹500 है, एक साल की जो इनकम है, या बोल सकते हो एक साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹500 है। तो आपको बताना क्या है, ही मस्ट इन्वेस्ट द रिमेनिंग मनी एट द रेट,
आपको बताना है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो उसने कितने रेट पे दिए। तो पहले तो देख लो, 4000 यहाँ पे चले गए, 3500 यहाँ पे चले गए, कितने चले गए, 7500। तो पहली बात तो बचे कितने, बचे 2500। इसने बोला 2500 को किस रेट पे दें ताकि हमें इंटरेस्ट कितना मिले, 500 मिले। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। आप 4000 का 5% निकालोगे तो 200 आएगा। दोस्तों मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा 200, क्योंकि 4000 का 5% निकालोगे 200 आ जाएगा। 3500 का 4% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 140, यहां पे मिलेगा 140। तो ये दोनों से मिलाकर कितना मिला, 340 मिला। तो 340 यहां से निकलोगे तो बचेगा कितना, 160। यानी कि यहां पे आपको कितने रुपए मिलेंगे, यहां पे आपको 160 रुपए मिलेंगे। और आपको बताना है रेट कितनी है, तो मुझे फटाफट से बताओ ये 160 जो है किसके ऊपर मिले, ये 160 जो है किसके ऊपर मिले, 2500 के ऊपर। तो 160 मिले 2500 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 25 से कैंसिल कर लीजिए, 25 से कैंसिल करोगे, 25 सिक्स जा 150, बचे 10, डेसिमल ले लेंगे, और 25 फोर जा 100, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं कि 4000 दिया 5% पे 200 मिलेंगे, 3500 दिया 4% पे 140 मिलेंगे, टोटल मिले 340, लेकिन टोटल मिले थे 500, तो 160 किस में मिले, 2500 पे, और ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेट आ जाएगी तो 6.4 पर एनम ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अभी और भी इसके क्वेश्चन होंगे, काफी क्वेश्चन बचते हैं, काफी अच्छा लेवल आपको करवाया जाएगा इसे नेक्स्ट सेशन वगैरह में। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई सुजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।